प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले लेक्चर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात की कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में अर्थव्यवस्थाओं को बांटते हैं और आर्थिक क्रियाओं का जैसे जैसे उन्नत स्वरूप देखने को मिलता है, वैसे वैसे अर्थव्यवस्था जो है वो अपने अगले पादान पर प्रमोट होती रहती है, उन्नत होती रहती है। प्राइमरी, द्वितीयक और सेकेंडरी और तृतीयक टर्शरी एक्टिविटीज़ और उसके बाद क्वार्टनरी और क्विनरी एक्टिविटीज़ की बात हमने पिछले लेक्चर में की थी। अब हम अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी इज़ द मेनस्टे इन अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज। प्राइमरी एक्टिविटी इज एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम एनवायरमेंट और डायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्टोड बाय मदर अर्थ। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि प्रकृति से सीधे तौर पर प्राप्त, एनवायरमेंट से सीधे तौर पर प्राप्त जो संसाधन है उनका उपयोग प्राथमिक गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है। These resources include hunting, collection of livestock, ranching, livestock ranching, fishing, forestry, mining, quarrying and agriculture. The secondary form of economic activity is more visible in developing countries. On the basis of primary production from nature, manufacturing activities develop. In this form of economy, various manufacturing activities flourishes. Agro products or extracted minerals are used as raw materials where value addition takes place after improvement of product quality. जो कृषि से प्राप्त पदार्थ हैं या जो खनन के द्वारा प्राप्त जो खनिज हैं, जो प्राथमिक गतिविधियों से प्राप्त जो संसाधन हैं, उन संसाधनों का अगर हम बेहतर उनको हम बेहतर तरीके से उनको उनके और बेटरमेंट के लिए उनके स्वरूप को बदलते हैं और उन्हें अधिक अच्छा स्वरूप, अधिक उपयोगी स्वरूप अगर देते हैं किसी तकनीक के माध्यम से, तो वो द्वितीय प्रकार की गतिविधियाँ हैं जिसमें जो कृषि बेस्ड भी हो सकती हैं, जो एग्रो बेस्ड तो होती हैं, कृषि पर आधारित हो सकती हैं, ये एनिमल भी हो सकती हैं, पशुओं से प्राप्त पदार्थों पर भी निर्भर करती हैं और इसके अलावा ये मिनरल बेस्ड भी होती हैं। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं जिनमें प्राथमिक गतिविधियों द्वारा प्राप्त पदार्थों को कच्चे माल के तौर पे प्रयुक्त किया जाता है, ये डेवलपिंग कंट्रीज की, डेवलपिंग इकोनॉमीज का संकेत होता है। और इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी, मतलब प्रोडक्ट की गुणवत्ता बढ़ जाती है, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ती है, उत्पाद की वैल्यू बढ़ती है, उसका मूल्य बढ़ता है और वो अधिक उपयोगी साबित होता है मानव समुदाय के लिए। For example, cotton produced in agriculture are processed into valuable garments and iron ore extracted from mines are transformed into high quality steel or modern machinery, etc. In the development process, in developed countries, importance of primary form of economic activities has been reduced gradually. अब जब अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं, विकसित राष्ट्रों की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं उसकी महत्ता जो है वो घट रही है। इन फैक्ट इन डेवलप्ड कंट्रीज़ इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी इज ऑल्सो लेस। इन दीज कंट्रीज़ इंपॉर्टेंस ऑफ थर्ड फॉर्म और टर्शरी एक्टिविटी इज मोर। The first form of economic activity is also known as extraction activity. In this economy, material is collected or produced. Sometimes these materials may be renewable in only like fish, flour or wind power, etc. In some cases, these may be non-renewable like crude oil, etc. Primary economic activity is directly related with nature or environment. Most of the people associated with primary form of economic activities are exposed in open natural environment, thus they are often referred as red collar workforce. These workers are mostly engaged in outdoor for their work. तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के लोगों को एक तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रेड कॉलर वर्कर कहलाते हैं ज़्यादातर, रेड कॉलर क्योंकि उनकी स्किन जो है वो डार्क हो जाती है, क्योंकि वो ज़्यादातर ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में प्रकृति के प्रांगण में वो काम करते हैं, खनन करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, तो उनको रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। और इनसे दोनों तरीके के जो हमारी डेवलप इकोनॉमीज़ हैं उन डेवलप इकोनॉमीज़ के लिए दोनों तरह की इसमें हम रॉ मटेरियल प्राप्त करते हैं, रिन्यूएबल रॉ मटेरियल भी होता है, यानी जैसे फिशेज
फूल इत्यादि के जिनको कि बार बार प्राप्त किया जा सकता है, जो नवीकरणीय हैं, जिनको ख़त्म होने के बाद फिर से प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जैसे कोयला है या पेट्रोलियम है, ये जो कच्चा तेल है उसको हम एक बार प्राप्त करने के बाद वो नवीकरण नहीं होता है, उसका भंडार धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो दोनों ही प्रकार के रिसोर्सेज को प्राप्त किया जाता है और उनको सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता है। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस प्राइमरी एक्टिविटी इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी वेरी सिग्निफिकेंट। ऑन द अदर हैंड ऑन एन एवरेज ओनली 8% ऑफ द वर्क फोर्स आर एंगेज इन प्राइमरी फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मोटे तौर पर प्राइमरी एक्टिविटी बहुत कम हो गई है इन USA, मतलब स्पेशली जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें कम हो गई है। इन USA द परसेंटेज शेयर ऑफ प्राइमरी वर्क फोर्स इज इवन लेस देन 3%। एवर सिंस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड द परसेंटेज शेयर ऑफ प्राइमरी वर्कर हैज़ स्टार्टेड डिक्रीजिंग। बिफोर हैंड द शेयर ऑफ प्राइमरी वर्क फोर्स वॉज मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल। 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति हुई उससे पहले 2/3 जनसंख्या जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी, यानी ज़्यादातर सारी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी। लेकिन जैसे जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, जब औद्योगिक क्रांति हुई यूरोप में और उसके बाद पूरे विश्वव्यापी स्तर पर जब उद्योगों का विकास बड़े पैमाने पर होने लगा और जो एग्रो बेस्ड जो ये कृषि हो या खनन हो या अन्य पशु हो, इन सबसे प्राप्त पदार्थों को उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा, तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जो लगने वाली जो जनसंख्या का परसेंटेज था वो धीरे धीरे घटने लगा और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में ये परसेंटेज बढ़ने लगा। दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोवाइड्स बेसिक रॉ मटेरियल्स टू अदर टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, दस द नेम प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज़ बीन गिवन। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, लाइव स्टॉक रैंचिंग, माइनिंग एक्सेट्रा। इन इंडिया प्राइमरी फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉन्ट्रीब्यूट्स नियरली 16% ऑफ द GDP, दो ओवर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर एंगेज इन दिस सेक्टर। भारत में स्थिति अलग है, लगभग आधी जनसंख्या जो है वो इस सेक्टर में इन्वॉल्व है, खनन करती है या कृषि तो करती ही है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि आधारित है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ कृषि कहीं भी पीछे नहीं छूटी है। तो ऐसी स्थिति में हालांकि ये डिपेंड करता है हर प्रदेश की अपनी इकोनॉमी पर कि वहाँ पर कितनी जनसंख्या जो है वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होगी, लेकिन ये भी सच है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर हम बढ़ते हैं वैसे वैसे प्राइमरी सेक्टर की में एंगेज पॉपुलेशन का परसेंटेज कम होता जाता है और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में एंगेज पॉपुलेशन का परसेंटेज बढ़ता जाता है। अब सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं। सॉरी, इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमी प्राइमरी प्रोडक्ट्स एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड वैल्यू एडिशन। द इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड वैल्यू एडिशन टू प्राइमरी प्रोडक्ट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी प्रोडक्ट जो प्राथमिक प्रकार से प्राप्त हमें जो उत्पाद हैं, जो पदार्थ हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन, उनका स्वरूप में जो बदल रूपांतरण होता है और वैल्यू एडिशन और रूपांतरण के साथ वो रूपांतरण ऐसा होता है कि उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, तो इस प्रक्रिया में जो संलग्न जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के नाम से जानते हैं। द वूल प्रोडक्शन फ्रॉम द हर्ड्स ऑफ शीप इज कंसीडर्ड टू बी अ प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, वाइल इफ द रॉ वूल इज प्रोसेस्ड इन फैक्ट्री एंड इफ वैल्यू एडिशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ स्वेटर मेकिंग, इट इज़ डेफिनेटली कंसीडर्ड एज सेकेंडरी फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर भेड़ के बाल काट के हम सिर्फ ऊन प्राप्त कर रहे हैं, मतलब उन बालों से बहुत रफ जो चरखे पे काट कर जैसे कि होता है कि जो कि पहले समय में होता था, उससे अगर हम सिर्फ मोटे तो मोटी ऊन प्राप्त कर रहे हैं और उसी से उसी को सिलकर बुनकर अगर हम स्वेटर बना रहे हैं, हाथ से मैन्युअली बना रहे हैं, तो वो प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा। लेकिन वही वूल अगर फैक्ट्री में जाकर, वही जो भेड़ से प्राप्त जो स्टफ़ है उसको हम फैक्ट्री में ले जाकर और महीन ऊन के रूप में डेवलप करेंगे और उसके बाद उस महीन ऊन से अगर हम फैक्ट्री में स्वेटर बनाएंगे तो वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसका स्वरूप बदल गया, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई, उसकी यूटिलिटी बढ़ गई। तो इज़ डेफिनेटली कंसिडर्ड एज सेकेंडरी फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। द सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज जनरली लार्ज स्केल इन नेचर एंड वैल्यू ऑफ यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट इज कंपैरेटिवली लेसर।
जनरली लार्ज स्केल में होती है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी और वैल्यू ऑफ यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट इज कंपैरेटिवली लेसर. सो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कन्वर्जन प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ गुड्स फ्रॉम रॉ मटीरियल और नेचुरल रिसोर्सेज सच एज प्राइमरी प्रोडक्ट्स. Originally, industrialization process is directly related to the pressing demand of development of a country. सामान्यतया industrialization process जो है किसी प्रदेश में industrialization जो औद्योगिकरण है वो प्रक्रिया कितनी तीव्र होगी कितनी ज़्यादा होगी ये सीधे सीधे निर्भर करता है किसी प्रदेश उस प्रदेश विशेष में मांग कितनी है उन तैयार उत्पादों की. और तैयार उत्पाद की मांग ज़्यादा तब होगी जब वहाँ पर अफोर्डेबिलिटी होगी. तो ये दोनों परस्पर सकारात्मक संबंध रखते हैं औद्योगिकरण और मांग. अगर निर्मित माल की निर्मित उत्पाद की फैक्ट्री में निर्मित उत्पाद की मांग ज़्यादा होगी तो औद्योगिकरण ज़्यादा होगा और अगर औद्योगिकरण ज़्यादा है तो मांग डेफिनेटली बढ़ती जाएगी. तो ये दोनों परस्पर निर्भर हैं परस्पर इन दोनों के बीच में सकारात्मक संबंध है. इससे आगे की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.